What's up guys, welcome back to Critics Anime. Today in this video हम देखने वाले हैं हमारो की एक थ्योरी के बारे में, जो सबसे पहली थ्योरी होने वाली है हमारे चैनल की और जो आपको पसंद आएगी। वेल, वीडियो पूरी तरह से स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दूं। सो बैक टू द पॉइंट, एंड अगर आपको उस पर थोड़ा सा भी कुछ इमोशनल फील हुआ हो मेरे लिए, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड सपोर्ट भी करना थोड़ा सा। सो टुडे इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं अमाडो के थ्योरी के बारे में, दैट अमाडो इज द फादर ऑफ कोनोहा मारू। गाइस, दिस इज अ क्रेजी फैन थियरी एंड मैं इस थियरी को आज आपके सामने प्रूव करने वाला हूँ। कुछ रीजन है इसके बिहाइंड एंड आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ भी थियरी, बट दिस आई विल प्रूव इन दिस वीडियो। सो बेसिकली उसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि हु इज अमाडो, एंड वो देखने के बाद हम प्रूव करेंगे कि इज रियली अमाडो सारुतोबी। सो लेटर इन दिस वीडियो आई विल प्रूव दैट अमाडो ही है हिरुजेन का दूसरा बेटा एंड अजुमा का भाई एंड फादर ऑफ ओनोहमारू। तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा अमाडो का अपीयरेंस, जो कि बिल्कुल ही मिलता जुलता है अजुमा से। एंड यस, एज अमाडोस फेस एंड पूरा लुक ही उसका अजुमा जैसे दिखता है। एंड सबसे मेन बात, मतलब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि लुक से ही, मैं डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर रहा कि वो सारुतोबी होगा, बट गाइस बहुत सारे रीजन है जिससे मैं ये बात डिसाइड कर पा रहा हूँ। सो सबसे दूसरी बात है जो मैं कहने वाला हूँ वो है कि अमाडो एंड अजुमा का जो नेम है वो स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्ट होता है ए से, एंड मतलब उनके जो नाम की स्पेलिंग्स है वो 5 लेटर कंटेन करती है दोनों की भी। वेल, अब ऐसा भी हो सकता है कि हिरुजेन ने दोनों के नाम देखकर ही साथ साथ रखे होंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि अमाडो स्मोक करता है बिल्कुल अजुमा की तरह। एंड एक बात बता दूं कि जो हिरुजेन है, मतलब थर्ड ओकागे, वो भी अपने स्मोक करते थे। साली फैमिली पूरी नशेड़ी है। लेटर इन दिस वीडियो में और भी पॉइंट्स कवर करने वाला हूं जिससे आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि दिस थ्योरी मेक सम सेंस। सो द अनदर पॉइंट एंड जो सबसे मेन पॉइंट है वो है कि जो कोनोहमर की ग्रैंड मदर थी जिनका नाम था बिवाकु सारुतोबी, उसका बैकग्राउंड भी साइंस से रिलेटेड होता है। सो सबसे पहले बता दूं कि बिवाकु सारुतोबी है कोनोहमर ग्रैंड मदर, एंड वो एक मेडिकल इंजा थी। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, एंड मतलब वो एक साइंस के मतलब बैकग्राउंड से ही इन्वॉल्व थी, तो मतलब ये इसका सेंस बनता है कि जो उसका बेटा है वो भी शायद साइंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा, जैसे कि है अमाडो। बिकॉज अगर अमाडो एंड साइंस की बात करें तो मतलब बहुत बड़ी ही बात हो गई, क्योंकि अमाडो इतना खतरनाक साइंटिस्ट है जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। वेल, कवाकी के बॉडी मॉडिफिकेशन से लेके सारे काराइनर्स को बनाना एंड साथ ही साथ इतने सारे खतरनाक साइबॉर्ग्स को बनाना जो कि ओत्सुत्सुकी से भी पावरफुल है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो वीडियो के मेन पॉइंट पे आते हैं, एंड कोनोहमारु के जो पेरेंट्स थे वो हाई रैंक अनबू मेंबर्स थे, एंड मतलब इन पास्ट, और जो अनबू मेंबर्स थे वो मतलब बेसिकली वो भी एक साइंटिस्ट के टाइप के ही थे जो कि साइंस के खतरनाक कॉस्टली इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकल्स करते थे। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग देयर टाइम्स ऑफ अनबू और चुमारू ने भी हॉरिफिक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए थे बच्चों के ऊपर और बड़ों के ऊपर भी। साथ ही साथ ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जो कि अनबू कर चुके हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दे आर लाइक साइंटिस्ट। एंड इफ अमाडो हिरुजेन का बेटा हो सकता है तो ही इज़ ऑटोमेटिक कनेक्टेड टू द जिराया, क्योंकि जिराया मास्टर हिरुजेन का एक प्यूपिल था। एज मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अमाडो ने बनाया काशिनकोजी को, जो कि है साइंटिफिक क्लोन ऑफ जिराया, एंड उसने उसको जिराया के डीएनए से ही बनाया है। सो वेल, उसको डीएनए मिला कहाँ से होगा? वेल, अगर मतलब वो अगर हिरुजेन का बेटा हो सकता है तो हिरुजेन का डायरेक्टली कनेक्शन था जिराया के साथ, एंड शायद अमाडो का कनेक्शन भी हो सकता है जिराया के साथ। इसके वजह से शायद ही अमाडो को मिल चुका होगा जिराया का डीएनए बिकॉज ऑफ हिरुजेन। वेल, फिर से एक बार मेन पॉइंट पर आते हैं, एंड अमाडो के पास ऐसी लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन है पीपल कनेक्टेड टू कोनोहमारु एंड अजुमा सेंसेई। वेल, अगर हम याद करते हैं उस चैप्टर को जिस चैप्टर में अमाडो पहली बार लीफ विलेज में आया था, जहां पर इनाशिका चो सिकाडाई इनोजिन एंड चो चो कर रहे होते हैं प्रैक्टिस ट्रेनिंग, तो तब वो मतलब इतने फेमस भी नहीं कि सबको उनका नाम पता हो, बट अमाडो उनका नाम आराम से बोल देता है, एंड साथ ही वो कहता है कि द नेक्स्ट जनरेशन इनाशिका चो की जोड़ी। वेल, दिस मेक लॉट ऑफ सेंस बिकॉज इनोशिका चो की जो ट्रायो होती है उसमें जो भी है वो जुड़े हुए हैं अजुमा सेंसेई से, और उसमें से सबसे बड़ी बात करें तो वो है सिकाडाई, जो कि है सिकामारू का बेटा। एंड आपको पता है कि अजुमा सेंसेई की एंड सिकामारू की जो मतलब जो स्टोरी है, बैक स्टोरी है, वो कितनी क्लोज्ड है। वेल, साथ ही अमाडो को पूरा नाम मालूम होता है मोएगी, जो कोनोहमारू की टीममेट होती है एंड चाइल्डहुड फ्रेंड होती है, एंड दिस ऑल्सो मेक्स सेंस।
वेल अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अजूमा बिल्कुल अपनी हीरोजेन की तरह है, क्योंकि वो एक हीरोजेन की तरह ही क्लासिक शिनोबी है। एंड दूसरी तरफ है अमाडो जो कि बिवाकू की तरह ही एक साइंटिस्ट है। एंड शायद पहले वो लीफ लीज का अनबू भी था, बट ही डजंट हैव रिलेशन विद शिनोबीज। वेल आप सोच रहे होंगे कि क्रिटिक्स, तूने तो बता दिया कि जो अमाडो है वो कोनोहामारू का फादर है एंड साथ ही वो एक सारुतोबी क्लैन का मेंबर है, बट जब वो लीफ विलेज में आता है पहली बार तो सब उसे पहचानते क्यों नहीं है देन? सो गाइस, कैसे पहचानेगा कोई इस एक इंसान को जो कि वॉर के टाइम से ही विलेज के बाहर रह चुका है एंड उसके बाद उसने विलेज से कोई कनेक्शन नहीं रखे। एंड इफ ये सब अगर ट्रू है तो इसीलिए ही अमाडो हेल्प कर रहा है नारुतो की फॉर फाइटिंग उत्सुकी एंड कोड। वेल देन आप फिर से सोच रहे होंगे कि क्रिटिक्स, तूने तो बता दिया है कि हीरोजेन का बेटा अमाडो है एंड अमाडो का बेटा है कोनोहामारू, बट तूने कहा था कि वो लीफ विलेज के बाहर है जब से वॉर स्टार्ट हुए थे, बट वो उस टाइम पे कर क्या रहा था? वेल अगर हम डीप में जाए और देखे अमाडो कौन है तो वेल वो रहता है आमिकाकुरे में जो कि है हिडन इन द रेन में, एंड वो तब से वही रह रहा है जब से वो विलेज छोड़कर गया था। एंड वेल आपको पता है कि उसकी एक बेटी भी थी जो कि 12 साल की थी और शायद 12 साल पहले मर चुकी थी। पता नहीं कि उसकी बेटी कौन थी और उसकी बेटी की मॉम कौन थी, बट शायद उसकी बेटी को मारा होगा उत्सुकी ने ही, इसलिए शायद वो उत्सुकी को मारने के लिए इतना तड़प रहा है। वेल जब मैंने कुछ रिसर्च किया और मुझे कुछ ऐसी थ्योरी भी मिली है जिसमें ये बताया गया है कि अमाडो जब लीफ विलेज के बाहर था, वो वॉर के टाइम से ही लीफ विलेज के बाहर है, बट तब वो कर क्या रहा था एंड था कहाँ पर? वेल मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो हिडन इन द रेन में था, बट वो अब कर क्या रहा था? तो वेल अभी बताता हूँ कि वो नागाटो के अंदर काम कर रहा था। Yes, and जितने भी सारे पेन से उन्हें बनाने के लिए अमाडो ने ही नागाटो की हेल्प की थी। वेल यार ये तो हो गई दूसरी बात, बट यार बात करें थियरी की तो थियरी आपको कैसे लगी? ये थी है थियरी दैट अमाडो इज सारुतोबी, एंड शायद बाद में अमाडो खुद बताए कोनोहामारू को या नारुतो को कि वो है कोनोहामारू का बेटा एंड ही इज ए सारुतोबी। बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा फ्यूचर में, अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, बट फिलहाल तो अमाडो को दिखाया गया है कि वो ओत्सुत्सुकी से अपना रिवेंज लेना चाहता है। बताया नहीं गया कि वो रिवेंज क्यों लेना चाहता है, बट यही सिर्फ बताया गया कि उससे सिर्फ रिवेंज लेना है किसी चीज का। सो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे इस एक शानदार थियरी वीडियो के साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।